उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हाईवे के किनारे नमाज पढ़ने के कारण पुलिस ने 17 लोगों का चालान काट दिया। यूपी पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग बस से पश्चिम बंगाल से राजस्थान के अजमेर शरीफ जा रहे थे। शाहजहांपुर में बस रुकने पर उन्होंने हाईवे के किनारे नमाज पढ़ ली। मामला 11 सितंबर का है। सोशल मीडिया पर दो दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे पता चलता है कि पुलिस से पहले हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के लोग कार्रवाई करने पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क किनारे नमाज पढ़ने की जानकारी फैलते ही VHP कार्यकर्ता तुरंत वहां जमा हो गए और हंगामा करने लगे। कार्यकर्ता उन्हें धमकाते हैं कि वे यूपी में दोबारा ऐसी हरकत ना करें। भगवा गमछा ओढ़े लोग उन्हें बताते हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और आप लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अब आप थाने चलिए। बाद में VHP वालों ने नमाज पढ़ने वाले लोगों से कान पकड़कर माफी भी मंगवाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि VHP के लोग उन्हें ये बोलते हुए धमकाते हैं कि पूरे देश को नष्ट कर रहे हो, उनसे सड़क पर उठक बैठक भी करवा लेते हैं। नमाज पढ़ने वाले लोगों ने माफी मांगी कि उन्हें मालूम नहीं था कि वहां नमाज नहीं पढ़नी है। इसके बाद VHP कार्यकर्ता पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस के सामने कार्यकर्ता कहते हैं कि ये बाहर के मुल्ला लोग हैं, इन पर सही से कार्रवाई कीजिए। आज तक से जुड़े विनय पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक VHP कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद वहां पुलिस पहुंच गई। नमाज पढ़ने वाले सभी लोगों को बस में बैठाकर थाने ले जाया गया। 17 लोगों पर शांति भंग करने के आरोप में चालान काटा गया। साथ ही बस को नो पार्किंग जोन में खड़ा करने के कारण ड्राइवर पर भी चालान किया गया। चालान के बाद सभी को वापस जाने दिया गया। इससे पहले अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। तत्कालीन DGP OP सिंह ने कहा था कि इसे लेकर सभी जिलों के पुलिस प्रमुख और दूसरे अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया कि वे ये सुनिश्चित करें कि सड़कों को ब्लॉक कर नमाज न पढ़ी जाए। किसी खास मौकों पर सामूहिक नमाज अदा करने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी, लेकिन इसे हर जुमे पर लागू नहीं किया जाएगा। शुक्रिया।